बना देती हूँ बाद में, क्या पता रामलीला भी जा सकते हैं। आजकल गोपेश्वर में रामलीला हो रही तो बहुत मजा आ रहा है, हम मतलब रोज ही जा रहे हैं रामलीला ना। दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल मेजिंग कॉर्न ब्लॉग में। तो बस यार, नई दिन की नई ब्लॉग की नई स्टार्टिंग होगी है, जो भी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है, मतलब शाम से, मतलब शाम का 10 बजे से हो रही है। और अभी मैंने, चलो यार, मैंने का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और परसों मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि मतलब जो गिफ्ट है मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊँगी, तो आज दिखाऊँगी कि मुझे झिंकवाण जी ने क्या दिया है और आप लोगों के साथ दिखाऊँगी। वैसे आप लोगों को पता चल ही गया था होगा कि डब्बे को देख के ना कि मतलब क्या दिया है। तो बस आज गोपेश्वर में आजकल रामलीला भी हो रही, तो आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं रामलीला देखने? क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा, हम तो रोज़ ही जा रहे हैं, मतलब रोज़ रोज़ तो नहीं गए पर मतलब 3-4 दिन तो चले गए, पर बहुत मज़ा आ रहा। आज सुबह से यही हो रहा था घर पे, मतलब छुट्टी दीपावली है ना, तो पूरी पकौड़ी मैंने सुबह नहीं बनाई। मैंने कहा यार शाम को कोई खाता ही नहीं है तो फिर बना के क्या फ़ायदा। मैंने सोचा 3-4 5 बजे थोड़ा धूप भी चली जाती है और उस टाइम थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा रहता तो खाई भी जाती है, तो मैंने सोचा उसी टाइम बनाऊँगी। सुबह में थोड़ा पूजा वगैरह कर ली थी और अब शाम को करेंगे। तो फिर आज कल रास तिलक है, हाँ कल रास तिलक है, तो आज जाएंगे शाम को। आज राम रावणी होती है ना, तो आज भी बहुत मज़ा आता है, तो आज भी जाएंगे हम रामलीला देखने के लिए। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वो गिफ्ट क्या है, ठीक है? ये है गिफ्ट। और ये आप लोगों को पता हो गई वैसे यार को ना, तो फिर आप लोगों को इसमें पता चल जाएगा। लाइट साफ दिख रहा है? तो ये वॉच थी, बहुत ही अच्छी है यार, बहुत ही मस्त वॉच। अभी इसको ना चार्ज करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ये स्मार्ट वॉच है ना। स्मार्ट वॉच तो मेरे पास बहुत पहले से भी थी, पर मुझे उसका जो लुक था ना वो अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी बड़ी बड़ी में चाहिए थी उसको, मतलब थोड़ा छोटा है, और ये मुझे बहुत पसंद आई। तो इन्होंने मुझे बोला क्या चाहिए तुझे, मतलब एनिवर्सरी पे, तो मैंने कहा यार जो देते, सब कुछ तो है मेरे पास, वैसे ज़रूरत नहीं है देने की, पर फिर भी ये बिना उसके लागे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं अंगूठी देख रही थी, मतलब मैंने कहा यार एक सिंगल अंगूठी ना हाथ में पहनने के लिए, पर पूरे गोपेश्वर बाजार में मुझे ना कहीं भी अंगूठी नहीं मिली यार। मतलब सब बड़ी बड़ी सी नहीं होती वो मैरिड वाली, तो वैसी वाली थी। तो मैंने कहा यार वैसी तो मुझे नहीं चाहिए, मतलब सिंपल जो यूज़ वाली हो जाती है ना घर में, तो वैसी वाली चाहिए थी, पर वैसे वाली मुझे मिली नहीं। तो ये है, इसको थोड़ा चार्ज लगाती हूँ और शाम का भी थोड़ा पकौड़ी वगैरह बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है ना कि दाल भिगा रखी है। आज मैंने सोचा शाम, तो इसकी मैंने सोचा शाम को पकौड़ी बनाऊँगी, और फिर मुझे ना इसकी पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है, दाल की पकौड़ी ना, इसको मतलब पीस के बनाना पड़ता है ना। तो फिर देखती हूँ आप प्रोसेस, या मिक्सी में पीसूँगी या मेरे पास सिलपट्टा है तो उसमें भी पीस सकती हूँ। तो अभी मैंने इसको ना भिगाने के लिए रख रखा, मैंने कहा शाम तक थोड़ी भीग जाएगी तो पीसने में थोड़ा ना ईजी हो जाएगा, तो शाम को बनाऊंगी, अभी तो धूप है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी दाल भीग चुकी है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा इसमें कड़ी पत्ता और प्याज वगैरह काटूंगी और सारी चीज़ें ऐड करूंगी। तो फिर बनाती हूँ पूरी पकौड़ी, थोड़ा फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और मेरी जो दाल थी पीस के बनाऊंगी मैं, जो पीस के टेस्ट आता है ना तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो मैं, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो दाल का बटर था ना, जो सबको पीस के ना ऐसे बना दिया। अब इसमें सबको मिक्स करूँगी, कड़ी पत्ते मसाले वगैरह जो भी चीज़ होगी तो सबको मिक्स करूँगी, फिर उसके बाद इसकी पकौड़ी बनाएंगी। और ये है मेरा बटर, अच्छा सब पीस गया है, और ये कड़ी पत्ता डालूँगी इसमें, तो फिर सबको मिक्स करके फिर बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है? दोस्तों अभी मैंने इसका बटर लगा दिया है पकौड़ी वगैरह बनाने के लिए। अब आटा गूंद रही हूँ, मैंने कहा यार बना देती हूँ, अभी 4 बज रहा वैसे शाम का ना, तो मैंने कहा बना देती हूँ बाद में, क्या पता रामलीला भी जा सकते हैं आज। मैंने कहा तब तक पूरी पकौड़ी बना देती हूँ, फिर शाम को मन करेगा तो कुछ बना लेंगे, नहीं करेगा तो फिर पूरी पकौड़ी खा लेंगे। तो थोड़ा सा ये बनाती हूँ, फिर थोड़ा दाल बनाती हूँ, तो फिर हो जाएगा हमारा।
तो दोस्तों अभी यहाँ पे मैं पूरी बेल रही हूँ, और मैंने सोचा ना पहले सारी पूरी बेल लेती हूँ फिर उसके बाद फ्राई करूँगी, क्योंकि क्या होता है ना जैसे अगर वैसे करेंगे तो फिर जलती है, फिर जल्दी जल्दी हो जाता है, तो पहले सबको बेल के रख दूँगी फिर फ्राई करूँगी। तो दोस्तों पूरी पकोड़ी बना के, पूरी पकोड़ी खा के अब जा रहे हैं हम रामलीला। आज लास्ट दिन है गोपेश्वर में, रामलीला हो रही है आप लोगों को पता ही होगा, और आज लास्ट दिन है, कल रासलीला है, तो हमने सोचा आज लास्ट दिन है तो चले जाते हैं, क्योंकि कल से तो फिर घर पे सोना ही है, और सो के कल फोन से ये कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो छोड़ो थोड़ा रामलीला देख के आते हैं। तो चलते हैं थोड़ी देर में, अभी दीदी लोग खाना खुना बना रहे होंगे, तो अभी बाहर पटाखे फोड़े लोग, और अनु बेटा यहाँ लैपटॉप पे पता नहीं क्या क्या क्या, क्या? ओ भाई करंट मार रहा आपने, करंट मारा। तो अनु पता नहीं लैपटॉप पे क्या कर रही है, मैंने इसको बोला आप आ रहे हो ना। नहीं आ रहे हो ना। इसको ऐसी चीजों में पता नहीं क्या नहीं है, इसको फिर ले जाऊंगी ना वहाँ, बोलेगी चलो 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 घर चलो, तो मैंने कहा चलो इसको रहने देती हूँ। तो अभी चल रहे हैं, अभी दीदी लोग खाना खुना बना रहे होंगे ना, तो फिर उसके बाद चलेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को भी थोड़ा रामलीला दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं रामलीला में। दोस्तों यहाँ पे हो रही है माता रानी की प्रस्तुति, तो अभी स्टार्ट होगा। कैलाश ओण केड़ो मेड़ो